वैसे 50 लाख में शायद इसको लिया केकेआर ने, लेकिन यार क्या वो इनिंग्स आज खेल गया। 5 छक्के मार के मैच जितवाना भाईजान, घंटे बाबर आजम को बोलो इस तरह के 2 छक्के मार के दिखा दे। पीएसएल की बात करते हो ना, मुझे बता दो पीएसएल में इस तरह का एक भी मैच बता दो कितना थ्रिलर मैच हुआ हो, किसी ने 5 छक्के मार के मैच जिताया हो। कमाल कर दिया यार, मतलब हैरान हो गया भाई, मतलब कौन सा ऐसा घंटे का किंग है जो इस तरह से 5 छक्के मारता है। यहाँ तो लोग सुबह से शाम तक बैटिंग करते हैं, आखिर में मैच हरवा कर चले जाते हैं। यहाँ हमें 800-900 प्रैक्टिस में बॉलें खेलनी होती है, यहाँ हमें पीएसएल से पहले दोपहर भर प्रैक्टिस करनी होती है छक्के मारने की, फिर भी हमसे छक्का नहीं लगता। आर के मुंह से जो जीत छीन के ले आया है, ये है भाई इंडियन टैलेंट, अनकैप प्लेयर है और अनकैप प्लेयर यश दयाल को इसने छक्के लगाए हैं जी। और रिंकू सिंह यार क्या कमाल की हिटिंग करता है, मैं तो यकीन माने मेरा दिल ये धक 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 कर रहा था जब वो छक्के लगा रहा था। और आखिरी 2 बॉल पे भी जब 10 स्कोर चाहिए थे, मैं कह रहा था शायद यार इतना भी कोई मशीन तो नहीं आ गई यार, 5 के 5 छक्के लगा दे, शायद इस बॉल पे ये आउट हो जाएगा या मिस हो जाएगी। लेकिन नहीं भाई, वो बंदा थान के आया हुआ था कि मैंने आज ये मैच जितवाना है और मैंने आज हीरो बनना है। कमाल हो गया, अनबिलीवेबल। क्या मैं इस बंदे के बारे में बोलूं, कहां से आया, मुझे इसके बारे में कोई कुछ नहीं पता, लेकिन जहां का भी लड़का है यह सल्यूट है, मतलब कि सल्यूट है, ऐसे मैंने प्लेयर बहुत कम देखे हुए। आज पता लगा है कि भाई आईपीएल दुनिया की नंबर 1 लीग इस वक्त हो रही है और दुनिया की नंबर 1 लीग ने आज बता दिया कि ऐसे नंबर 1 मैचेस होते हैं। रिंकू सिंह को सल्यूट। ऐसा फिनिश मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा भाई, ये बंदा एटम बम है ये बंदा। और आज गुजरात के खिलाफ फटा और ऐसे फटा है कि आसपास सब कुछ। दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैच की आखिरी 5 गेंदों पर रिंकू सिंह ने जो लगातार 5 छक्कों के दम पर कोलकाता नाइट राइडर्स को रविवार को आईपीएल 2023 में दूसरी जीत दिलाई है, उसे देखकर पाकिस्तानी खिलाड़ी और पाक मीडिया रिंकू सिंह का दीवाना हो गया है। पाकिस्तानी खिलाड़ी और पाक मीडिया बाबर आजम को ट्रोल कर रहे हैं कि तुम 800 मैच बॉल खेलने के बाद भी ऐसे 2 छक्के नहीं लगा पाते हो। टीम ने डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात टाइटंस को बेहद रोमांचक मुकाबले में 3 विकेट से हरा दिया। आईपीएल इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई टीम आखिरी 5 यश दयाल पे रहम अपनी जगह, लेकिन भाई रिंकू सिंह ने जो आज हशर किया है ना, मतलब इट्स वेरी रेयर दैट यू सी अ बैट्समैन हिटिंग 5 sixes इन द फाइनल ओवर एंड दैट आल्सो ऑफ सक्सेसिव बॉल्स टू विन अ मैच, ये बड़ा रेयर होता है यार, बहुत कम होता है। मतलब ये आज जो केकेआर ने जो मतलब कमाल की विक्ट्री हासिल की ओवर गुजरात टाइटन्स, मतलब ये मैं समझता हूँ कि दिस वन ऑफ द बेस्ट मैचेस इन द आईपीएल सो फार दैट वी हैव सीन। दिस वाज एक्स्ट्रा स्पेशल बाय रिंकू सिंह। ये जो बंदा है आई मीन ही इज बीन अराउंड फॉर अ वाइल, लेकिन लास्ट के सही मानों में ये थोड़ा सा मतलब इस मैं बात करूँ आईपीएल की, आईपीएल प्लेटफॉर्म पे आके ही मतलब पीपल स्टार्टेड नोटिसिंग हिम। हालांकि ही इज बीन प्लेइंग डोमेस्टिक क्रिकेट, ही केम बैक फ्रॉम अ नी इंजरी और बड़ा एक मतलब सादा सा बैकग्राउंड है इसका, और मतलब यू नो दैट एड्स मोर कलर टू हिज स्टोरी द वे ही हैज फॉट हार्ड टू कम थ्रू टू दीज रैंक्स। मैं 50 लाख में शायद इसको लिया केकेआर ने, लेकिन यार क्या वो इनिंग्स आज खेल गया। मतलब 29 रन्स नीडेड इन द लास्ट ओवर एंड नो वन कुड हैव थॉट के यार ये बंदा जो है ही कैन पुल दिस ऑफ। और खास करके जब मतलब पहली गेंद पे उसने उमेश यादव ने सिंगल ले लिया उसके, मतलब यार कौन सोच सकता है कि भाई 5 छक्के पड़ जाएंगे डायरेक्ट। यार उसने मार दिया, ठीक है यश दयाल ने बहुत बुरी बॉलिंग की उस पर कोई शक नहीं, 3 फुल टॉसेस और 2 ऐसी दी कि बिल्कुल उसके मतलब जोन में आई, उसने टिका दी, लाइक वेरी वेरी पोअर बॉलिंग फ्रॉम यश दयाल। लेकिन द वे ही बैटेड, यू नो बॉलिंग कितनी भी पोअर हो, मतलब बॉलर मतलब आपको बना के भी दे, फिर भी यार मतलब बैट्समैन को ही नीड्स अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि ऐसी पोजिशन में ऐसी सिचुएशन में जहाँ इतना प्रेशर हो वहाँ पर वो शॉट्स अपने खेले और उसको सक्सेसफुल एग्जीक्यूट करे। वो रिंकू सिंह ने किया भाई, उस दिन भी जो केकेआर का लास्ट मैच हुआ था इसने जो पार्टनरशिप की थी, कमाल इसने पार्टनरशिप की थी। इट्स वेरी गट्सी सॉर्ट ऑफ प्लेयर, यू नो मतलब कोई ऐसा कोई मतलब कोई ऐसा फ्लेयर वाला बैट्समैन नहीं है। आप जस्ट टू गिव यू
एग्जांपल के अगर मैं देखूं तो जैसे साइम अयूब खेलता है, बड़ा फ्लेयर नजर आता है, लेकिन मतलब द वे ही बैट्स, ही इज समवन, आप कह सकते हैं ये बंदा है जो कि अपनी विकेट ऐसे नहीं देगा आपको, मतलब आपको मेहनत करनी पड़ेगी उसके विकेट के लिए। बट व्हाट अ अमेजिंग कमबैक फ्रॉम केकेआर यार, 205 चाहिए थे जीतने के लिए और कोई सोच नहीं सकता था कि यार ये जीत जाएंगे। और कमाल ये कि केकेआर की इनिंग में हैट्रिक भी हुई, राशिद खान ने हैट्रिक भी ली एंड ही बिकेम द फर्स्ट बॉलर टू टेक 4 हैट्रिक्स इन T20 क्रिकेट। लेकिन फिर भी यार केकेआर जीत गया, ये कमाल था। सो इट वाज अ सुपर्ब मैच, मतलब आप कुछ भी कहें यार, बहुत मजा आया उस मैच के अंदर यार, मतलब फुल हाउस और इतना एक्साइटिंग मैच। रिंकू सिंह ने क्या मतलब छक्के मारे हैं, और मैं घंटू को ये बकवास करके बताना चाहता हूँ, ये PSL के घंटे हैं, ये पिंडी की फ्लैट पिच नहीं थी जिधर रिंकू सिंह ने आगे हमें छक्के मार दिए, हमें आगे छक्के मार के चला गया। ये सर IPL क्रिकेट हो रही है, इधर आपको प्रोफेशनल क्रिकेट देखने को मिलती है, जो आज आपको देखने को मिली है। रिंकू सिंह ने भाईजान वो इंडिया का IPL का नेचुरल टैलेंट है, कोई घंटा नहीं है कि छोटे मोटे बॉलर को छक्के मार के चला जाएगा। इस तरह की वो परफॉर्मेंस पिछले साल भी दे चुका है, 5 छक्के मार के मैच जितवाना भाईजान। घंटे बाबर आजम को बोलो इस तरह के 2 छक्के मार के दिखा दे, घंटे बाबर आजम को बोलो इस तरह के 2 छक्के मार के दिखा दे जिस तरह के रिंकू सिंह ने भाईजान 5 छक्के मार के मैच जिताया। ये क्रिकेट भाईजान, दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन क्रिकेट, कि जितना बैटिंग टैलेंट इंडिया से निकल गया था ना, इतना भाईजान पूरे पाकिस्तान में आज तक नहीं निकल गया। और भाईजान यही चीज है ना कि IPL में आपको कहते हैं ना कि इस साल रिंकू सिंह ने लास्ट ईयर परफॉर्मेंस दी, इस साल परफॉर्मेंस दी, नेक्स्ट ईयर वो मजीद महंगा बिकेगा, वो परमानेंट मेंबर बन चुका है कोलकाता नाइट राइडर्स का। और यही चीज होती है, ठीक है, PSL की बात करते हो ना, मुझे बता दो PSL में इस तरह का एक भी मैच बता दो कितना थ्रिलर मैच हुआ हो, किसी ने 5 छक्के मार के मैच जिताया हो। भाईजान पिंडी की पिचेस नहीं है 50-50 मीटर की, इधर 70-80 मीटर की बाउंड्रीज होती हैं, इधर छक्का मारने के लिए अंदर दम खम होना चाहिए। 2 लग गए, 3 लगे, मुझे लगा कि चौथा तो नहीं हो सकता, लेकिन चौथा भी हो गया और फिर एंड में भी लग गया, आखिर ही हो गई ना, मतलब कि लेवल ऑफ क्रिकेट भाई देखें, KKR को हमने, आपने भी, मैंने, हम सब ने बड़ा अंडर एस्टिमेट, बिल्कुल हम शुरू से कर दिया यार क्या कैप्टन है इसका, टीम भी कोई खास नहीं इतनी, नारायण है, रसल पुराने प्लेयर है, मैं कोई इतना खास प्लेयर नहीं, लेकिन भाई KKR ने जो खेला है, लेकिन जो KKR की जो क्वालिटी नजर आई ना, वो ये कि हर टीम के अंदर कोई 1-2 प्लेयर परफॉर्मेंस दे रहे हैं। KKR की वो टीम है जिसके 11 में से 11 जो है ना परफॉर्मेंस दे रहा है, कभी एक बंदा चल रहा है, कभी एक बंदा चल रहा है। पिछले मैच में ठाकुर चला, इस मैच के अंदर आप जिसको कहते हैं वेंकटेश अय्यर चल गया, आप जिसको कहते हैं ये चल गया, रिंकू सिंह चल गया, तो ये टीम की ज्यादा खास टारगेट अच्छा था, टारगेट बड़ा अच्छा था, बहुत अच्छा टारगेट था। हालांकि देखिए राशिद खान ने 3 विकेट भी ले ली, हैट्रिक, लेकिन फिर भी मैं तो ये सोच रहा हूँ, जो बेचारा बॉलर था यश, उस बेचारा रोने मैंने उसके देखे, उस बेचारे का क्या, जैसे कहते हैं ना ऐसी बात है, उस बेचारे का ये ना करियर ही खत्म हो जाए, वही ना। लेकिन फिर भी विलीप भी देखेंगे, 1 ओवर में एंड पे आप आगे 5 छक्के खा रहे हैं, छोटी बात नहीं होती, आप चाहे बड़े कोई फारक से बॉलर है, लेकिन फिर भी आप 1 ओवर में एंड पे आके मैच हरवा नहीं सकते। लेकिन आप ये भी तो देखे ना, कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो इतना बड़े सदमे को टैकल कर जाते हैं। बेन स्टोक्स आपके सामने है, वर्ल्ड कप का फाइनल था, हरवा दिया था ना, उसके बाद उसने 2 वर्ल्ड कप जितवा दिए, इसी के साथ स्टुअर्ट ब्रॉड 6 छक्के खाए, टेस्ट का नंबर 1 बॉलर बना हुआ है। वो इससे पहले राहुल तिवातिया ने जिसको कहते हैं क्रिस जॉर्डन को मारे थे छक्के IPL के अंदर पिछले कुछ सीजन पहले, वो भी हम सबको याद है। तो मतलब कि कुछ होते हैं बॉलर्स जो रिकवर कर जाते होते हैं, लेकिन बात यह कि यश रिकवर कैसे करेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो इसका जैसे कहते हैं जवाब बड़ा मुश्किल है। हम दोनों ने कोई और टीम प्रिडिक्ट की हुई थी, मैंने भी दोनों की प्रिडिक्शन गलत हुई है आज। देखिए हमारी तो होते गलत हुई है ना, KKR वाली मैच की, तो KKR वाले मैच का तो होते होते, लेकिन जो एक चीज है ना जो मुझे खुशी है कि मैंने प्लेऑफ में KKR को रखा हुआ था। तुमने पता नहीं कयामत डाली, मैंने तो सोचा कि गुजरात अभी ये मैच जीत गई, तुमने तो बर्बाद कर दिया। मैं पूरा मैच देख रहा था, मेरी उम्मीदें दम तोड़ गईं जब वेंकटेश अय्यर आउट हुआ और उससे पहले नितेश राणा आउट हुआ और फिर इसी रिंकू सिंह ने 4-5 गेंदें मिस कर दी, बट जो 5 छक्के लगाए रिंकू सिंह ने, कमाल कर दिया यार, मतलब हैरान हो गया भाई, मतलब कौन सा ऐसा घंटे का किंग है जो इस तरह से 5 छक्के मारता है। यहाँ तो लोग सुबह से शाम तक बैटिंग करते हैं, आखिर में मैच हरवा कर चले जाते हैं। और आज अनहोनियों का दिन था कि साफ सफाई करता था ये आदमी ड्रेसिंग रूम्स की KKR में, और फिर ये खेला और लास्ट ईयर इसने 2-3 मैचेस में जो है ना वो कारकर्दगी दिखा के फतह हासिल करवाई, और फिर 4 मैच के बाद ये इस बार आया, इस बार भी इसे प्रमोट किया गया, उसके बाद कहानी लगाई गई, तबाह बर्बाद कर दिया, गारत कर दिया रिंकू सिंह ने। मतलब आज क्रिकेट में एक नया बादशाह पैदा हो गया है, और इस तरह की इनिंग आप यश दयाल को मारो, यश दयाल कोई आसान बॉलर नहीं है, इट वॉज अ बैड डे एट द ऑफिस,
बट यशदयाल को मारने का मतलब यह है कि आप 135-40 के बॉलर को इसी तरह से पीटोगे, तो व्हाट डज इट मींस, इट मींस कि रिंकू सिंह को 4 रन से कैंप में बुलाया जाए और इसकी ग्रूमिंग की जाए आईपीएल के बाद। इस आदमी ने क्या किया, सेकंड लास्ट ओवर में छक्का चौका मारकर एक स्निफ मिली, बट बॉस 5 छक्के मारने आपको लास्ट ओवर में अपोजिशन के घर में, यहां में 800-900 प्रैक्टिस में बॉलें खेलनी होती है, यहाँ हमें पीएसएल से पहले दोपहर भर प्रैक्टिस करनी होती है छक्के मारने की, फिर भी हमसे छक्का नहीं लगता। लॉर्ड रिंकू सिंह हो गए ये आज से, बर्बाद कर दिया, गारत कर दिया, तबाह कर दिया, जनाजे पढ़वा दिए।